मैम, सबसे पहले दिख रहे हैं कि घर पे तीज के त्यौहार है, सब खुश है, लेकिन सोनम अपना रंग में फिर से भंग डाल रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ टशन चल रही है सावी और सोनम के बीच, और वेदिका और सोनम के बीच भी बहुत मज़ेदार टशन चल रही है, जहाँ पर वेदिका कंगन उतार के देती है। पहले एक कंगन सोनम को देती है, फिर सावी को देती है, और फिर सोनम बोलती है नहीं क्या फ़ायदा, जोड़ी मत तोड़ो। तो फिर वेदिका बोलती है बिल्कुल ठीक कहा, तो दोनों कंगन सावी को देती है। तो बड़ा अच्छा एक टशन, यू नो, जिसमें श्रीदेवी की फिल्में याद आएगी लोगों को, मज़ेदार सीन्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपने देखा साबी खाना खिला रहा था, नित्यम को नित्यम खिला रहा था साबी को, तो कुछ हैप्पी मोमेंट भी लग रहा बहुत था। हैप्पी मोमेंट आई थिंक ये शो के दौरान भी हम लोगों का केमिस्ट्री जो है, हम तीनों का, वेदिका, नित्यम और साबी का, इतना नॉर्मल नेचुरल केमिस्ट्री आ गया कि वो, मैं नित्यम को बोलती भी हूँ तो खाना खिलाने के लिए, तो उसको पता है कि मैं वो बोलने वाली हूँ, तो वो इम्प्रोवाइजिंग में हम लोग का केमिस्ट्री कितना अच्छे से बैठ जाता है, ये आपको सीन देखकर ही आ जाता है। और तीज का त्यौहार है तो सावी बहुत खुश है कि उसका सुहाग भी आ गया, और सुहागन के कपड़े, मतलब सुहाग में जो सुहागन को जो देते हैं तीज पर, कपड़े, बिंदी, चूड़िया, वो सब लेकर आए। एक डायलॉग आपने बोला उसके, अब जोरी देख सीख सकती, ऐसा रूप है आपने ये, इतने अच्छे आपने वर्ड बोला। तो जैसे कि सारे मेरे फैंस भी जानते हैं कि मैं शिव जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, और ये तो सौभाग्य है कि हम लोगों को शिव जी का आशीर्वाद भी मिले, और सीन्स में भी बोलना पड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ मैं बोलती थी सावी और नित्यम बिल्कुल शिव पार्वती की जोड़ी है, तो एक हैप्पी एंडिंग। कितना मिस करते हो जब दूर रहती हो आप, नित्यम साबी से कहीं और रहती हो, रक्षम के साथ और नित्यम साबी कहीं और रहते हो, कितना मिस करती हो आप? बहुत मिस करती हूँ, बिकॉज साबी के साथ मेरा रिश्ता, एक बेस्टी का रिश्ता, बहुत मिस करती हूँ, तो वो जायज़ है। सीन्स में भी जब मैं साबी से मिलती हूँ तो एकदम हमारा मिलना जुलना वो और प्यार बढ़ जाता है, और जब वो दालमिया हाउस में नहीं रहती तो एक खालीपन, विधि का एक थोड़ी सी लो हो जाती है, और वो खोई हुई रहती है, तो एक अच्छा है। सोनम के साथ वो एकदम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करती है, और सोनम उसको बहुत हड़काने की कोशिश करती है, लेकिन वेदिका काफ़ी स्ट्रांग है और सोनम को लाइन पे। जैसा आपने शिव शक्ति का नाम लिया, मोदी साहब ने जहाँ पर लैंडिंग हुआ, चंद्रयान 3 हुआ, बिल्कुल, तो कितना एक्साइटमेंट, शिव शक्ति नाम ही रखा लैंडिंग जहाँ। मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसलिए भी क्योंकि उन्होंने हर किसी इंसान को जिन्होंने अपना प्रोग्रेस दिखाया है हमारे इस देश के लिए, थोड़ा उन्नति थोड़ा सा भी किया है, उन्होंने इतना अच्छा मोटिवेशन, आपने देखा होगा कि रिसेंटली मोदी जी ये डेलीगेट्स, जापानीज डेलीगेट्स, अफ्रीकन डेलीगेट्स के साथ पैर पे जो या, तो उन्होंने निकाला, तो देखिए आपका रिस्पेक्ट जो है वो यहाँ से शुरू होता है, चरण से शुरू होता है, तो मोदी जी ने ये कर दिखाया कि यू नो जो भी है चरण से ही, चरण स्पर्श जो बोलते हैं, तो उन्होंने वहीं से कर दिखाया। और शिव जी को बहुत मानते हैं वो, उनको जब भी वक्त मिलता है तो वो काशी भी जाते हैं, कभी महाकाल भी जाते हैं, मैं तो दंग रह जाती हूँ, कभी इंस्टाग्राम खोलती तो देखती हूँ अरे ये तो काशी पहुँच गया, अगला इंस्टाग्राम खोलती तो ये केदारनाथ। ये बहुत मतलब मैं बड़ी बात तो बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े पद पर है, लेकिन उनके लिए मान्यता, उनके लिए आदर दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है लोगों में भी। उन्होंने ये चंद्रयान के लिए जो भी किया, इन्होंने ये डेट भी फिक्स कर दिया, क्योंकि लोगों ने कहा कि 23 अगस्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, इसे एक यू नो एक चंद्र दिवस जैसा बोला जाएगा भारत के लिए, हमारे उसके बाद ही प्रज्ञानंद चेस, यंगेस्ट चेस प्लेयर जो सिर्फ 18 साल का है, वो रनर अप वर्ल्ड चैम्पियन में रह चुका है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि देश आगे ही बढ़ रहा है, और ये सिर्फ ना ही मोदी जी की वजह से, लेकिन एक यू नो एक यूनाइटेड फैमिली